RJD Vice President Raghuvansh Prasad Singh has claimed that LJP's newly elected MP from Vaishali, Rama Singh, concealed vital information about criminal cases against him in his election affidavit and that he is an absconder in a serious crime in Chhattisgarh. He must be arrested as promised by Prime Minister Narendra Modi to book all MLAs and MPs involved in criminal cases within a year after assuming power at the center. अपहरण हुआ सन 2001 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक जयचंद बैद नाम के पेट्रोल पंप के मालिक मैटिज कार से जा रहे थे अपना घर रायपुर। रास्ते में उनका अपहरण हो गया और अपराधियों ने उनको 1.5 महीने तक अपने कब्जा में रखा। 25 लाख रुपए लेकर फिरौती लेकर के उनको छोड़ा 1.5 महीने के बाद। उसमें कुल 13 अभियुक्त थे। 13 अभियुक्त में 6 को आजीवन कारावास सन 2007 में वहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया। उसमें 5 अभी तक फरार हैं। उस 5 में श्री रमा सिंह उर्फ रमा किशोर सिंह जो उस समय में MLA थे जिस समय में अपराध में उनका नाम आया जमशेदपुर जेल में बंद थे। वहाँ से 4 बार वहाँ के कोर्ट ने आदेश किया प्रोडक्शन वारंट 4 बार भेजा। चारों बार में प्रोडक्शन वारंट पर वहाँ उनको कोर्ट में उपस्थित नहीं किया गया। बाद में वो छूट करके फिर वोट भी लड़े फिर जीत भी गए असेंबली में। उस समय से प्रोडक्शन वारंट कायम रहा। फिर गैर मियादी गिरफ्तारी वारंट भी कोर्ट से बार बार जारी होता रहा और 2003 से वह वारंट बरकरार है। फैसला के बाद में कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। 5 का जो कागज अभी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा जो दस्तावेज वहां से आया है प्रोसीडिंग कोर्ट के प्रोसीडिंग का नकल सर्टिफाइड कॉपी। रघुवंश आल्सो रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीकिंग एक्शन अगेंस्ट रामा सिंह।